दोस्तों ये हाउ टू सॉल्व फोकस की फ्रेज नॉट फाउंड इन द यूआरएल। जो यूआरएल के अंदर में अगर आप आर्टिकल अपलोड करता है उस टाइम अगर कीवर्ड नहीं मिलता है तो आप इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, आज इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला है। हेलो दोस्तों, आज मैं एक नया वीडियो लेकर फिर से आया हूं, जो कि ये मैंने ऑलरेडी पहले से अपलोड किया है लेकिन इसका काफ़ी पब्लिक से कंप्लेन आया कि बैकग्राउंड में म्यूजिक क्यों होता है। आज का टॉपिक है हाउ टू सॉल्व फोकस की प्रेस इन यूआरएल, मतलब यूआरएल में फोकस की प्रेस नॉट फाउंड। कहने का मतलब है जो यूआरएल है, यूआरएल में उसका कीवर्ड नहीं आया है, उसकी बारे में मैं इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, जो फोकस की प्रेस इज नॉट फाउंड इन द यूआरएल, मतलब यूआरएल में फोकस कीवर्ड नहीं है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को दोबारा करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ये पहले मैंने अपलोड कर चुका है लेकिन बैकग्राउंड में म्यूजिक होने के कारण से काफ़ी लोग मेरे को कमेंट में लिखा है, इसीलिए मैं आज दोबारा इसको मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। देखो, कोई भी किसी भी आपने आर्टिकल लिखने से पहले आर्टिकल में एक किसी न किसी कीवर्ड होना चाहिए, जैसे कि डिजाइन या एप्लीकेशन इनवाइट अंडर द लाइक इंजेस्ट, तो आप किसी को भी आप एक कीवर्ड बनाओ। कीवर्ड हमेशा पहला कैरेक्टर, जैसे डिजाइन मैंने कीवर्ड इसी आर्टिकल में लगाया, लेकिन देखो इसमें सब हेडिंग में आना चाहिए, जो सब हेडिंग है उसमें भी आना चाहिए, पहला पैराग्राफ में भी आपका कीवर्ड होना चाहिए, सभी पैराग्राफ में कम से कम एक या दो मतलब कीवर्ड होना चाहिए। दोस्तों देखो, अभी देखो इसमें मेरा पूरा उसमें पूरा ग्रीन कलर क्यों हुआ है, उसका मतलब मेरा पूरा मैचिंग हुआ है, इसी आर्टिकल के अंदर में पूरा मैचिंग हुआ है। वर्डप्रेस में आपको अगर आप रैंक में प्लगइन यूज कर रहा है तो आपको इस जगह में शो करेंगे आर्टिकल के अंदर, तभी ये मतलब इसमें ग्रीन नजर आया, अगर नहीं तो अन्यथा वो रेड नजर आ जाता है, क्योंकि इसमें मेरा सभी है लेकिन मैंने ये कंटेंट 600 वर्ड का होना चाहिए, क्योंकि मैंने 539 वर्ड ही मेरे आर्टिकल में है, इसको मैं पूरा करूंगा बाद में। दोस्तों आज का मेन उद्देश्य है, आज की वीडियो के उद्देश्य है कि यूआरएल में कीवर्ड मैचिंग नहीं कर रहा है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको सभी टाइटल में कीवर्ड आना चाहिए, पैराग्राफ में कीवर्ड आना चाहिए, उसके बाद आपको सब हेडिंग में भी कीवर्ड आना चाहिए, उसके बाद जो आपने मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा है, जो डिस्क्रिप्शन है जैसे कि मान लो गूगल में आपको अच्छी तरह से नजर आएगा, तो इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर में भी एक कीवर्ड आना चाहिए जो आपको कीवर्ड इसमें इस्तेमाल करने से कर रहे हैं। उसके बाद जैसे मेटा डिस्क्रिप्शन मैंने इसमें लिखा है, मेटा डिस्क्रिप्शन देखो इसमें भी एक 160 कैरेक्टर होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन 160 कैरेक्टर ही होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो वो मतलब एक्सेप्ट नहीं करता है। वर्डप्रेस में ये इमेज आना चाहिए, इमेज मतलब इमेज आपको एक इमेज, जैसे मैंने साइड में इमेज इधर डाला, अभी देखो को आपको किसी भी एक इमेज होना चाहिए आर्टिकल के अंदर, जब आप किसी भी आर्टिकल लिखते हैं उसके अंदर कम से कम एक इमेज होना चाहिए आर्टिकल का बारे में, और इसमें किसी और एक आर्टिकल का या किसी एक वेबसाइट का उसमें एक लिंक होना चाहिए, जो ऑलरेडी दूसरा का साथ लिंक मतलब आपकी वेबसाइट दूसरा वेबसाइट का लिंक होना चाहिए। जब इसी तरह से कंप्लीट करने के बाद आप इसको 100/100 के बाद ये 92/100 है, लेकिन ये फोकस की प्रेस यूआरएल में नहीं मिला, तो सभी कंप्लीट करने के बाद भी हमको यूआरएल में कीवर्ड फोकस नहीं हुआ, इसके लिए आपको जो यूआरएल है उसमें कैसे मिसिंग किया जाता है अभी देखिए। कंप्लीट करने के बाद, कंप्लीट डाटा करने के बाद
आप सभी पैराग्राफ में की होने के बाद आप इसमें पब्लिश कर देना है। देखो 87/100 में आपको 87% है, उसके मतलब बहुत अच्छा है ये कीवर्ड, मतलब ये आर्टिकल बहुत अच्छा है। देखो ये एक्चुअली 100/100 करना बहुत मुश्किल है। अभी देखिए होगा इसी के कारण से ये मैसेज आता है कि आपकी यूआरएल में, जो आपके आर्टिकल की यूआरएल में कीवर्ड मैचिंग नहीं किया है। देखो दोस्तों, अगर उसको सॉल्व करने के लिए अभी ऐप पब्लिश करने के बाद कंप्लीट डाटा, अगर आपने जो भी रिक्वायरमेंट है कंप्लीट चेकिंग अगर नहीं किया फिर पब्लिश कर देगा तो उसमें यूआरएल मैचिंग नहीं होगा। आप अभी देखिए, आप जो मैंने एक बार पब्लिश कर दिया, पब्लिश करने का बाद यहाँ दी देखो इसमें पूरा 100/100 हो गया। देखो उसका मतलब फोकस कीवर्ड इन यूआरएल, यूआरएल के अंदर अभी फोकस कीवर्ड हो गया क्योंकि हमने इसमें भी 100/100 लिखा है। देखो लेकिन इसमें क्या है, आपको एक काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसमें 600 वर्ड होना चाहिए और बाकी है आपको डालने के लिए इसमें पूरा बता देता है। दोस्तों ये देखो, ये है आज का वीडियो था आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।